गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी यूनिट थर्ड स्टार्ट की थी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों बताया मैंने, और स्टार्टिंग की थी हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को किस तरह से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। बच्चों काफ़ी सारी टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। आफ्टर हार्वेस्टिंग उनके साथ प्री कूलिंग की जाती है, क्योरिंग की जाती है, शॉर्टिंग की जाती है, डिग्रीनिंग की जाती है। बच्चों हॉट वाटर ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से करते हैं, वेपर ट्रीटमेंट कैसे होता है, रेडिएशंस कैसे प्रोवाइड की जाती है, और केमिकल ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं, जिसके थ्रू क्या हो बच्चों कि अगर उनमें कोई ना कोई डिजीज कॉज हो रही हो, है ना, कोई ना कोई डिजीज हो या कोई पैथोजन या कोई इंसेक्ट वर्क कर रहा है वो किल हो जाए, मान लो किसी तरह का वाउंड हो जाता है वो हील हो जाए, या फिर हमने क्या किया था फ्रूट एंड वेजिटेबल की राइपनिंग जो वो थी राइपनिंग की स्टेज को कम कर दिया था ताकि धीरे 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 राइपन हो, जिससे जब तक वो मार्केट में जा रहा है तब तक वो ख़राब ना हो, डेटोरेशन की कंडीशन ना आए। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेजिटेबल और फ्रूट को स्टोर किस तरीके से हम लोगों को करना है। तो स्टोरेज नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों। प्रॉपर मार्केटिंग ऑफ पेरिसिएबल कॉमोडिटीज सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑफन रिक्वायर सम स्टोरेज टू बैलेंस डे टू डे फ्लक्चुएशन बिटवीन हार्वेस्ट एंड सेल और फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ठीक है, प्रॉपर मार्केटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमोडिटीज का प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, जिससे डे टू डे जो उनमें है ना फ्लक्चुएशन आ रहा है उसकी बैलेंसिंग हो बच्चों हार्वेस्टिंग, और जब तक हम उसको मार्केट में नहीं लेके जाते या कितना लॉन्ग टर्म तक उसको स्टोर करते। स्टोरेज ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इज अटेम्प्टेड विद अ व्यू टू एक्सटेंड पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है बच्चों ये। स्टोरेज कंट्रोल सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोड्यूस बाय कंट्रोलिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, राइपनिंग, बायोकेमिकल चेंजेज, ऑल ऑफ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ डिकम्पोजिशन एंड डिट्योरेशन ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, हमें क्या करना है स्टोरेज में वेजिटेबल्स और फ्रूट की, कॉमोडिटीज़ की क्या करनी है बेटा, सेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है। वो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को डाउन कर देंगे, ट्रांसपिरेशन को डाउन कर देंगे, राइपनिंग रेट उनकी कम होगी, धीरे धीरे वो पकेंगे, बायोकेमिकल चेंजेस जो उनमें आते हैं वो उनको उन पर हम प्रॉपर क्या रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, जिससे उनकी क्या हो सेल्फ डिकम्पोजिशन ना हो, डिट्योरेशन ना हो। फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन मिनिमाइज माइक्रोबियल इन्फेक्शन एंड दस एड टू बेटर स्टोरेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस। पहली चीज़ तो बच्चों जिस कंडीशन में फ्रूट एंड वेजिटेबल हो उसी कंडीशन में, फ्रेश कंडीशन में वो रहने चाहिए, पहली चीज़ हमने ये देखी। सेकेंडली उस पर किसी भी तरह के पैथोजन का, इंसेक्ट का अटैक नहीं होना चाहिए, इस तरीके से स्टोर करके रखना हमें। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोरेज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, स्लो द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। किसी भी तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो डाउन होनी चाहिए। अवॉइड ग्लट एंड डिस्ट्रेस सेल इन द मार्केट दस प्रोलोंगिंग द मार्केट पीरियड। क्या करना है हमें, ग्लट पीरियड जो होता है उसको अवॉइड करना है, डिस्ट्रेस ना हो सेल इन द मार्केट दस प्रोलोंगिंग द मार्केट पीरियड, लंबे समय तक वो मार्केट में रखा जा सके। लॉन्ग टर्म स्टोरेज मेकिंग द फूड अवेलेबल इन ऑफ सीजन। लॉन्ग टर्म स्टोरेज का मतलब है ऑफ सीजन में फ्रूट्स का मिलना या वेजिटेबल्स का मिलना। रेगुलेट द मार्केट इन एन ऑर्डिनरी मैनर, ऑर्डिनरी मैनर में उसको रेगुलेट करके रखना। एंड रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन इन थाइलिन प्रोडक्शन रेट, और ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन और थाइलिन प्रोडक्शन रेट को कम करना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोरेज। पहला मैंने बोला किसी भी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, अवॉइड ग्लट एंड डिस्ट्रेस। ग्लट एंड डिस्ट्रेस को अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि सेल करने में, मार्केट में जो सेलिंग होती है या काफ़ी लंबे समय तक वो मार्केट में रह सके। लॉन्ग टर्म स्टोरेज हो ताकि ऑफ सीजन में भी अवेलेबल हो सके। रेगुलेट और जो ऑर्डिनरी मैनर में आराम से मार्केट में वो रेगुलेट हो सके, और रिड्यूस उसमें क्या हो रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन एंड इथाइलिन प्रोडक्शन रेट। ये रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो होंगे वो फ्रेश रहेंगे। फिर है टिप फॉर स्टोरेज ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को किस तरीके से स्टोर करना है, स्टोर ओनली हाई क्वालिटी प्रोड्यूस फ्री ऑफ डैमेज डिके और ऑफ प्रॉपर मैच्योरिटी। हमें क्या ध्यान रखना है कि हाई क्वालिटी का होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह का डैमेज ना हो, वो डिके नहीं हो रहा है
ऑफ प्रॉपर मैच्योरिटी की, और उसकी प्रॉपर मैच्योरिटी, नॉट ओवर राइपिंग, बहुत ज़्यादा राइपिंग नहीं होना चाहिए और अंडर राइपिंग भी नहीं होना चाहिए, अंडर मैच्योर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, नॉलेज ऑफ एप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन, हमें एप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। अवॉइड लोअर देन रिकमेंडेड टेम्परेचर इन स्टोरेज, स्टोरेज का जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए बच्चों, उससे कम टेम्परेचर होगा तो फ्रूट एंड वेजिटेबल में क्या होगा, जो सेल्स होती हैं उनमें आइस फ्रॉस्ट की कंडीशन, आइस जम जाती है, बिकॉज मैनी कॉमोडिटीज आर ससेप्टेबल टू डैमेज फ्रॉम फ्रीजिंग एंड चीलिंग। ये काफ़ी सारे वेजिटेबल्स जैसे लीफी वेजिटेबल्स भी ऐसी होती हैं, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा तो उसके लिए ससेप्टेबल्स होती हैं। डू नॉट ओवरलोड स्टोरेज रूम एंड स्टॉक कंटेनर्स क्लोजली, स्टोरेज रूम को ओवरलोडेड नहीं करना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन इन द स्टोरेज रूम, एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए। कीप स्टोरेज रूम क्लीन, स्टोरेज रूम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रोडेंट्स बाय कीपिंग द इमीडिएट आउटडोर एरिया क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ट्रांस एंड वीड्स। स्टोरेज एरिया को रोडेंट्स से बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, यानी नीट एंड क्लीन होगा तो रोडेंट्स वहाँ पर आएंगे ही नहीं, उसके अलावा उसे ट्रांस एंड वीड्स से भी क्लियर रखना चाहिए। कंटेनर्स मस्ट बी वेल वेंटिलेटेड, जिन कंटेनर्स में हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रखा है वो वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग इनफ टू विद स्टैंड स्टैकिंग, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बच्चों। डू नॉट स्टैक कंटेनर बियॉन्ड देयर स्टैकिंग स्ट्रेंथ, जितनी उनकी स्ट्रैकिंग स्ट्रेंथ होती है उतने ही फ्रूट्स उसमें रखने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। अवॉइड स्टोरिंग इथाइलिन सेंसिटिव कमोडिटीज विद विद दोज दैट प्रोड्यूस इथाइलिन, हमें कभी भी इथाइलिन सेंसिटिव कमोडिटीज को जिनमें जल्दी जल्दी राइपनिंग की प्रोसेस हो रही है उनको है ना, स्टोरिंग इथाइलिन सेंसिटिव कमोडिटी विद दोज दैट प्रोड्यूस इथाइलिन उनको अवॉइड करना चाहिए, उनके स्टोरेज को अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कमोडिटीज जिनमें इथाइलिन प्रोडक्शन की पावर अच्छी होती है उनको स्टोर करने से अवॉइड होना चाहिए। अवॉइडिंग स्टोरिंग प्रोड्यूस नॉन फॉर एमिटिंग स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ऐसी कमोडिटीज को स्टोर नहीं करना है जिनमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, ये कह रहे ना एमिटिंग स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, जैसे एप्पल, गार्लिक, अनियन, टर्निप, कैबेज एंड पोटेटो विद ऑर्डर एब्जॉर्बिंग कमोडिटीज, ये ना किसी भी स्मेल को एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं। इंस्पेक्ट स्टोर्ड प्रोड्यूस रेगुलरली फॉर साइन ऑफ इंजरी, वाटर लॉस, डैमेज एंड डिजीज, कई बार हम क्या कर रहे हैं कि स्टोर कर रहे हैं प्रोड्यूस को तो हमें रेगुलरली ये ध्यान रखना होगा कि कोई किसी तरह की इंजरी तो नहीं है, वाटर लॉस तो नहीं है, डैमेज तो नहीं हो गया है या कोई डिजीज तो नहीं हो गई है। रिमूव डैमेज एंड डिजीज प्रोड्यूस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ प्रॉब्लम, सिंपल सी चीज़ बता रखी है बच्चों। नॉर्मली हमें ध्यान रखना है कि जिस हमें जो स्टोरेज ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं उनमें मेनली छोटे छोटे से टिप्स होते हैं कि हमें हाई क्वालिटी के होने चाहिए, किसी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए, उसको स्टोर करना है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर रूम होना चाहिए, नीट एंड क्लीन रूम होना चाहिए, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, उनमें यदि कंटेनर्स रखे जा रहे हैं तो ओवरलोडेड कंटेनर्स नहीं रखने हैं, कंटेनर्स के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि इतने ही फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रखने हैं जितना उनकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं रखना है। अब यदि हम लोग टेम्परेचर को डाउन करके किसी भी चीज़ को फ्रेश रख रहे हैं तो टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही तक ही लो लेके जाना है, उससे कम टेम्परेचर पर नहीं लेके जाना है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट होते हैं कि वो काफ़ी लो टेम्परेचर के लिए ससेप्टेबल्स होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी क्या कहेंगे कमोडिटीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें इथाइलिन यानी राइपनिंग बहुत अच्छी जल्दी जल्दी होती है, इथाइलिन प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है तो उनको वहाँ से अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली मान लो किसी तरह की डिजीज कॉजिंग जिसमें किसी फ्रूट एंड वेजिटेबल पर डिजीज हो गई हैं उसको उस रूम से अलग रखना चाहिए, बाकी सबसे बिल्कुल अलग रखना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स को। उसके अलावा जो हमने लास्ट देखा था, हाँ बस, और सबसे एक चीज़ और हमने देखी थी बच्चों कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जिनसे निकल रही है उनको हमें बाहर रखना है, क्योंकि विद ऑर्डर एब्जॉर्बिंग वो बाकी सारे जितने होंगे वो उस ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कभी हम घर में भी फ्रिज में कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं रखते हैं जिनकी स्मेल हाई होती है, क्योंकि जितनी बाकी चीज़ें होती हैं उनमें उसकी स्मेल आ जाती है, तो ये वही कह रहा है कि उसको उस रूम में, पर्टिकुलर रूम में स्टोर नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गए टिप्स फॉर स्टोरेज ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस।
अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहा है बच्चों? सिंपल है, टेम्परेचर, क्योंकि हमने कहा लो टेम्परेचर रखना है हमें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी करेगी अफेक्ट, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, मैंने बोला था आपको, एयर वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक गैस कंपोजिशन, लाइट, किस तरह की कॉमोडिटीज़ हैं बच्चों, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट हमने जो पहले देखे थे वो हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्टोरेज को अफेक्ट करती हैं। फिर आते हैं बच्चों स्टोरेज मेथड, कौन कौन से स्टोरेज मेथड हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड, अनदर वन इज एडवांस स्टोरेज। सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड बच्चों कौन कौन से हैं। पिट स्टोरेज, गड्ढा खोद के उसमें स्टोर करो, क्लंप स्टोरेज, बर्न स्टोरेज, सेलर स्टोरेज, सैंड एंड कॉर स्टोरेज, हाई अल्टीट्यूड स्टोरेज, स्टोरेज जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। ठीक है, ये अलग अलग तरह की स्टोरेज हैं जिसके थ्रू हम स्टोर करते हैं। पिट सिंपल सा है ना, गड्ढा खोद के कर रहे हैं, क्लैंप्स बना के स्टोरेज कर रहे हैं, बर्न्स में कर रहे हैं, सैलर्स में कर रहे हैं, सैंड एंड कॉयर स्टोरेज, हाई अल्टीट्यूड स्टोरेज, हाई अल्टीट्यूड पर स्टोर कर रहे हैं, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। इसमें से जो मेनली हमें पढ़ना है वो क्या है बच्चों? जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। अब क्या होता है बच्चों, पहले मैं आपको यहाँ बताती हूँ, इसका पूरा डायग्राम है हमारे पास, कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर आपका एक चैम्बर बना हुआ होता है। किससे? ब्रिक्स से बन रहा है बच्चों, ये क्लियरली आपको यहाँ दिख रहा है। इसमें इसने इसकी लेंथ एंड विड्थ भी दे रखी है बच्चों, की लेंथ आपको 165 सेंटीमीटर रखनी है, विड्थ 115 सेंटीमीटर इसकी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर ये जो है आपकी हाइट इसकी 67.5 सेंटीमीटर की हाइट अपने को रखनी है। तो इतना बड़ा आपको क्या बनाना है? एक चैम्बर बनाना है। अंदर की तरफ इसमें क्या होता है बेटा, बाहर से पूरा एक ब्रिक्स का अपने चैम्बर बना दिया, अंदर सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक सैंड की लेयर करेंगे। सैंड की लेयर के बाद उसके ऊपर हमें क्या रखना है, जिन कॉमोडिटीज़ को हमें स्टोर करना है वो कॉमोडिटीज़ हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं। इसके अलावा बच्चों इसमें क्या दे रहा है, ऊपर पूरा सेटेड आपको दिख रहा है, टॉप कवर इसमें दिख रहा है, इसमें एक क्या है, वाटर टैब है, वाटर यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, और एक सपोर्टिंग पिलर है। तो ये आपका पूरा का पूरा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी यहाँ पर हम वाटर के थ्रू इसको ठंडा कर रहे हैं। अब इसमें ये बता रहा है क्या होता है, द जीरो एनर्जी कूल चैम्बर यूज टू एनहांस द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम उस जगह पे क्या कर रहे हैं, इसको यूज करते हैं जीरो एनर्जी कूल चैम्बर को, बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग समर एंड विंटर सीजन नेचुरली विद द एप्लीकेशन ऑफ वाटर। यानी आपका जो प्रॉपर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करना है नेचुरली, बस केवल वहाँ पे क्या हम अप्लाई करेंगे, वाटर अप्लाई करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इवोपरेशन इवोपरेटिंग कूलिंग। ये जो डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्ट इवोपरेटिंग कूलिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, हैंस डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इलेक्ट्रिसिटी और पावर टू ऑपरेट, एंड ऑल द मटीरियल ब्रिक्स सैंड बैम्बो खसखस रिक्वायर्ड टू मेक द कूल चैम्बर आर अवेलेबल इजीली एंड आर रीयूजेबल। फॉर जीरो एनर्जी कूल चैम्बर कंस्ट्रक्टेड, अपलैंड इज सेलेक्टेड वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन एंड शुड बी नियर टू द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। मैंने आप लोगों को अभी बात बोली है कि पूरा का पूरा एक चैम्बर हमें बनाना है जिसके पास में वाटर सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, एंड फ्लोर इज मेड बाय ब्रिक्स, ये मैंने बताया। अ डबल वॉल इज इरेक्टेड अप टू अ हाइट ऑफ 67.5 सेंटीमीटर एंड लीविंग अ कैविटी विद अप्रॉक्सी, बीच में अपने को कैविटी रखनी है, अप्रॉक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर ब्रिक्स वॉल। द कैविटी बिटवीन द डबल वॉल इज फिल्ड विद सैंड, ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, और उसमें हमें क्या करना है, वाटर छिड़कना है। हमने क्या बोला, इसमें इवोपरेशन से जो आपकी ठंडक वहाँ पे होती है एनवायरनमेंट में, उसी में आपकी कॉमोडिटीज जो होती हैं वो फ्रेश रहती हैं। अ लिड इज मेड यूजिंग स्ट्रॉ एंड ड्राई ग्रासेस ऑन बॉम्बो फ्रंट, द साइड इज मेड ओवर द चैम्बर इज ऑर्डर टू अवॉइड डायरेक्ट सन और रेन। एक सिंपल सा हमें, मैंने आप लोगों को पूरा ये बताया है चैम्बर, कि ये पूरा का पूरा साइड आपका किससे बना हुआ है, बैम्बो से बना हुआ है, और इसमें हमने सैंड डाली जिसमें वाटर हम स्प्रिंकल करते रहते हैं। वाटर के स्प्रिंकल करने से, छिड़कने से क्या हो रहा है, वो वहाँ पर थोड़ा सा इवोपरेशन होता है और कूल होता है ये पूरा एनवायरमेंट, ये सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है बच्चों। द होल स्ट्रक्चर इज मेड वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर डेली ट्वाइस, हमें डेली दो बार वहाँ पे पानी स्प्रिंकल करना है इन ऑर्डर टू अचीव डिजायरेबल टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और फिक्स अ ड्रिप सिस्टम विद द प्लास्टिक पाइप एंड माइक्रो ट्यूब कनेक्टेड टू एन ओवरहेड वाटर सोर्स। द हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसेस कैप्टिज परफोरेटेड प्लास्टिक क्रेट्स कवर्ड विद अ थिन पॉलिथीन सीट। अब हमें हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को क्या करना है, एक परफोरेटेड जिनमें होल्स होता है उन प्लास्टिक की
हम घर में भी बास्केट्स लेकर आते हैं, उन बास्केट्स में रखना और ऊपर से पॉलीथीन बैग से उसे ढक देना, ठीक है, कवर्ड विद अ थिन पॉलीथीन सीट, सॉरी पॉलीथीन सीट। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर एंड हाइग्रोमीटर आर प्लेस्ड इन दिस चैम्बर टू नोट द टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर आपको पता चला होता क्या है, बनता कैसे है, मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर प्लेस देखना है जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वहाँ पे हम ब्रिक्स की क्या बनाते हैं, एक पूरी की पूरी वॉल बनाते हैं जिसके बीच में एक कैविटी बनाते हैं, उस कैविटी में हम सैंड रख रहे हैं, ठीक है, सैंड होता है वहाँ पे, और एक हमें ध्यान रखना है वाटर सप्लाई होना चाहिए। तो जैसे ही हम वहाँ पे सैंड में वाटर सप्लाई कर रहे हैं वैसे ही वहाँ इवोपरेशन होता है, और इवोपरेशन के कारण जो कूलिंग होती है उसमें हम कॉमोडिटीज़ को क्या रखते हैं, एक प्रॉपर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं, और वो देखने के लिए कि उतना प्रॉपर टेम्परेचर है वहाँ पे या उतनी ह्यूमिडिटी है, हमें क्या क्या साथ में रखना है, थर्मामीटर और हाइग्रोमीटर को साथ में रखना है, ठीक है। तो ये एक नेचुरली हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, उसको फ्रेश रख रहे हैं कॉमोडिटीज़ को। अभी बता रहा है सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट वेजिटेबल इन जीरो एनर्जी चैम्बर, सेल्फ लाइफ उनकी कितनी होती है बच्चों, ये बता रहा है लीफी वेजिटेबल इन समर टाइम ऑफ स्टोरेज, है ना, समर की बात कर रहे हैं, आउटसाइड ये बोल रहा है अगेन आपका, आउटसाइड ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है लेस देन वन, कूल चैम्बर इसमें क्या है तीन, लीफी वेजिटेबल विंटर्स की बात करो आउटसाइड तीन है और कूल चैम्बर्स 8 to 10 है, पटेटो स्प्रिंग एंड समर दोनों में बता रहा है 40 आउटसाइड्स होते हैं, 97 कूल चैम्बर्स हैं, मैंगो समर में टाइम ऑफ स्टोरेज समर होता है नॉर्मली इसका, ठीक है, आउटसाइड्स हैं 4 और कूल चैम्बर इसमें 8, ऑरेंज विंटर्स में आते हैं बच्चों, विंटर्स का बता रहा है 8 to 10 डेज आउटसाइड्स हो गए, 20 to 30 डेज जो हो गया बच्चों इसका कूल चैम्बर, टमेटो समर सीजन में बता रहा है 7 आउटसाइड्स और 15, पॉइंटेड गार्ड्स की बात करें समर अगेन 2 और 5 कूल चैम्बर्स, बिटर गार्ड्स समर में है बच्चों 2 एंड 6 कूल चैम्बर्स हो गए, ओकरा समर 1 हो गया इसका आउटसाइड 6 कूल चैम्बर में रखना है, कैरेट्स यहाँ हो गया स्प्रिंग और 5 आउटसाइड और 12 कूल चैम्बर, कॉलीफ्लावर भी स्प्रिंग का है बच्चों 7 आउटसाइड एंड 12 कूल चैम्बर्स, एंड ग्रीन चिली समर 3 और 6 यहाँ पे कूल चैम्बर हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीरो एनर्जी चैम्बर, कितने डेज तक अपने को कूल चैम्बर में रखना है इनको, वो सारा इसने बता रखा है कि समर में इतने लेस देन 1 डेज तो उसे बाहर रख रहे हैं, 3 दिन कूल चैम्बर में रख रहे हैं, लीफी वेजिटेबल को 3 दिन आउटसाइड रखेंगे और 8 to 10 दिन कूल चैम्बर में, पटेटो को 40 दिन आउटसाइड और 97 डेज कूल चैम्बर में रख रहे हैं, मैंगो को 4 डेज आउटसाइड रखेंगे कूल चैम्बर से, 8 डेज कूल चैम्बर में रखेंगे, ऑरेंज को 8 to 10 डेज आउटसाइड रखेंगे और 20 to 30 डेज कूल चैम्बर में रखेंगे, ऐसी टमेटो को 7 डेज आउटसाइड रख रहे हैं 5 डेज कूल चैम्बर में, पॉइंटेड गार्ड्स को 2 डेज आउटसाइड हो गया 5 डेज कूल चैम्बर हो गया, बिटर गार्ड को 2 डेज आउटसाइड एंड 6 डेज कूल चैम्बर, ओकरा को 1 डेज आउटसाइड 6 डेज कूल चैम्बर, कैरेट स्प्रिंग का है 5 डेज आउटसाइड और 12 डेज कूल चैम्बर, कॉलीफ्लावर 7 डेज आउटसाइड एंड 12 डेज कूल चैम्बर, और ग्रीन चिलीज को 3 डेज आउटसाइड एंड 6 डेज कूल चैम्बर में रखते हैं। तो ये बच्चों मेथड हुआ आपका जीरो एनर्जी कूल चैम्बर का, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एडवांस स्टोरेज की बात करते हैं, वो देखे थे हमने ट्रेडिशनल स्टोरेज जिसका हमने एक पढ़ा है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, सेकेंड हम लेते हैं एडवांस स्टोरेज में, फर्स्ट है कोल्ड स्टोरेज, सिंपल नाम से समझ आ रहा है कोल्ड स्टोरेज यानी टेम्परेचर को डाउन करना, हमें लो टेम्परेचर पर रखना है, इट मेंटेन लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द स्टोरेज पीरियड, जितना स्टोरेज पीरियड होता है, यहाँ पे तो हमने बोला था कुछ समय उसे बाहर रखेंगे और कुछ समय कूल चैम्बर में रखेंगे, यहाँ पे पूरे टाइम हमें क्या रखना है, लो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे रखना है, टेम्परेचर विद इज जस्ट सफिशियंट टू लोअर डाउन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूस इज मेंटेन, टेम्परेचर को कम रखना का मेन रीजन क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करना, केयर इज टेकन डैट द इनसाइड टेम्परेचर में नॉट कॉज चीलिंग इंजरी टू द प्रोड्यूस, इतना भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम ना हो जाए जिस कारण से चीलिंग इफेक्ट आ जाता है, चीलिंग इंजरी आ जाए, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ प्रोड्यूस डिफरेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर मेंटेन अंडर कोल्ड स्टोरेज, अलग अलग कॉमोडिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहती है, जैसे रिकमेंडेड टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडीशन फॉर फ्रूट स्टोरेज
जैसे ये बता रहा है नेम ऑफ द कॉमोडिटीज, एसिड लाइम्स जो होते हैं 8-10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको स्टोर कर रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अप्रॉक्सीमेटली सेल्फ लाइफ 6-8 वीक्स रहती है। एप्पल को -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रख रहे हैं बच्चों, और 90-95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी 4-8 मंथ तक रखा जाता है। एप्रिकोट बेटा, ऐसे बहुत सारे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बता रखे हैं जिनको अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर रखना है। चलो मैं बता ही देती हूँ आपको, जैसे एप्रिकोट है 0-1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 90-95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 1-2 वीक। एशियन पियर 0-1, 90-95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, 2 मंथ तक इसकी सेल्फ लाइफ होती है। एवोगैड्रो 8-12 इसका डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, 85-90 रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 1.5 वीक इसकी सेल्फ लाइफ हो गई। बनाना 13 डेज, 90-95 इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई और 1-4 वीक हो गया। बेर 3 इसका क्या है टेम्परेचर, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, 90-95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई और 4 वीक इसकी सेल्फ लाइफ हो गई। फिग हो गया 0-1.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 85-90 रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, 7 वीक तक रखना है। डेट्स को 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना चाहिए इसका ग्रैप्स सॉरी डेट्स का, और 85-90 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी सॉरी 85-90 रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई बच्चों इसकी, और 2 वीक्स तक इसका क्या रहता है बच्चों सेल्फ लाइफ रहती है। ग्रैप्स की 0-1 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, 90-95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 2-8 वीक। ग्वावा 8-10 डिग्री सेंटीग्रेड, 90-95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 2-3 वीक। कीवी या चाइनीज गोजबेरी जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखी जाती है, 90-95 3-5 मंथ के लिए। इस तरीके से बहुत सारे वेजिटेबल फ्रूट्स इन्होंने यहाँ पे आपको बता रखे हैं। ये तो सारे हो गए बच्चों फ्रूट्स का। फिर आते हैं हम वेजिटेबल्स की यदि देखें तो वेजिटेबल में एक तो ये बता रहा है एस्पेरेगस एंड ग्रीन 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95-100, 2-3 वीक्स के लिए ये इसकी सेल्फ लाइफ होती है। बीन्स की 4-7 डिग्री सेंटीग्रेड, 90-95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 7-10 डेज। बेल पेपर 7-10 डेज डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 90-95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई और 2-3 वीक्स के लिए। बिटर गार्ड 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड, 85-90, 2-3 वीक। ब्रिंजल 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड, 92 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 3-4 वीक। ब्रोकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, 95-100, 10-14 डेज इसकी सेल्फ लाइफ होती है बच्चों। फिर ब्रोंकली के बाद कैबेज भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 90-95, 3-6 वीक इसकी क्या है सेल्फ लाइफ। इस तरह से बच्चों और इन्होंने बहुत सारी वेजिटेबल्स आपको दी हैं, उनको उन वेजिटेबल को उतने लो टेम्परेचर उतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर रखा जाता है जिससे वो काफ़ी लंबे समय तक क्या रहें फ्रेश रहें। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। पहला था कोल्ड स्टोरेज, दूसरा है हाइपोबैरिक स्टोरेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपोबैरिक स्टोरेज इन सच, बैरिक टर्म हमेशा प्रेशर से रिलेटेड आती है बच्चों। इन सच टाइप ऑफ स्टोरेज द प्रोड्यूस स्टोर्स अंडर लो प्रेशर एटमॉस्फेयर। हमें प्रोड्यूस को किस जगह स्टोर करके रखना है जहाँ पे प्रेशर लो होता है, वैक्यूम टाइट एंड रेफ्रिजरेटर कंडीशन। वैक्यूम टाइट कंडीशन होती है या रेफ्रिजरेटर कंडीशन। द प्रेशर वहाँ पे कितना है बच्चों 1.3-13 kPa इज मेंटेन अंडर स्टोरेज। द ड्यू टू लोवरिंग ऑफ प्रेशर अंडर स्टोरेज द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज आर लोवर्ड। हम क्या कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर को अपने आप हम कम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिविजुअल गैसेज के प्रेशर भी अपने आप ही कम हो जाएगा यहाँ पे। द CO2 एंड अदर volatile like ethylene produced during respiration in course of storage are removed. Carbon dioxide or volatile जैसे ethylene होती है, तो ethylene produced during respiration के दौरान जब ethylene जो produce हो रही है in course of storage are वो removed हो जाती है and control level of O2 is maintained, और उस जगह पर oxygen का level maintain हो जाता है। many time flavor of the produce is affected, कई बार इस region से flavor थोड़ा सा affect होता है यहाँ पर। स्टोरेज हमें लो प्रेशर पे करना है और वो लो प्रेशर कितना मेंटेन होता है 1.3-13 kPa मेंटेन होता है। जिस रीजन से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वॉलेटाइल इथाइलिन तो वहाँ से रिमूव हो गए, और मेनली वहाँ पे क्या होता है बच्चों ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। ये हो गया हाइपोबैरिक स्टोरेज। फिर आता है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज क्या है बच्चों, स्टोरेज ऑफ कॉमोडिटीज अंडर गैसियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कॉमोडिटीज़ को गैसियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में स्टोर करना
लाइक गैस स्टोरेज वेयर द कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर इज कंट्रोल्ड एक्यूरेटली. मेनली गैस स्टोरेज बोल रहे हैं जहाँ पर एटमोसफेयर की गैसेस को कंट्रोल फॉर्म में रखा जाता है, एक्यूरेट होती है. दस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन इथाइलिन मेटाबॉलिक वॉलेटाइल्स इन द एटमोसफेयर में भी मैनुपलेटेड. हम उस वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन इथाइलिन और मेटाबॉलिक वॉलेटाइल्स को मैनुपलेट करते हैं. कंट्रोल्ड एटमोसफेरिक स्टोरेज जनरली रेफर टू कीपिंग प्रोड्यूस एट डिक्रीज ऑक्सीजन. कंट्रोल्ड एटमोसफेरिक स्टोरेज में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन लेवल को डाउन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना है एंड एट सुटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. जो कंट्रोल एटमोसफेरिक स्टोरेज होता है जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा, कंट्रोल्ड क्या रहता है, टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है. द मॉडिफाइड एटमोसफियर एंड कंट्रोल्ड एटमोसफियर डिफर ओनली इन डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड सी ए इज मोर एग्जैक्ट. ये कह रहा है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में मेन डिफरेंस क्या होता है, ओनली डिग्री ऑफ कंट्रोल, कितनी डिग्री का कंट्रोल रखना है हमें और कितना सी ए इज मोर, उसका कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. दिस स्टोरेज मैथड इन कॉम्बिनेशन विद रेफ्रिजरेटर मार्केटली एनहांस स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल. जब हम कंट्रोल्ड गैस एनवायरनमेंट को बिल्कुल कंट्रोल्ड फॉर्म में रख रहे हैं उसके साथ हमने रेफ्रिजरेटर को भी जोड़ दिया तो इससे फ्रूट एंड वेजिटेबल की स्टोरेज लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है. तो कंट्रोल एटमोसफेरिक स्टोरेज मेनली गैसेज स्टोरेज होता है जिसमें ऑक्सीजन लेवल डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ा हुआ, एक कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल रिलेटिव ह्यूमिडिटी में फ्रूट एंड वेजिटेबल को रखा जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादातर कम होता है जिस कारण से इनकी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है. बेनिफिट क्या है बच्चों इसका, स्लो डाउन रेस्पिरेशन. अपने आप लो टेम्परेचर हुआ है तो रेस्पिरेशन की रेट स्लो डाउन हो जाएगी, इथाइलिन प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी, सॉफ्टनिंग एंड रिटार्ड सेंसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स. रेस्पिरेशन कम, इथाइलिन प्रोडक्शन रेट कम, सॉफ्टनिंग कम हो जाएगी जिस कारण से सेंसेंस भी डिले हो जाता है. रिड्यूस फ्रूट सेंसिटिविटी टू इथाइलिन एक्शन. इथाइलिन एक्शन के अगेंस्ट जो फ्रूट सेंसिटिविटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है. एलिविएट सर्टेन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज, काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एलिविएट हो जाते हैं. चीलिंग इंजरी ऑफ वेरियस कॉमोडिटीज, रीसेट स्पॉटिंग इन लेट्यूस एंड सम स्टोरेज डिसऑर्डर इंक्लूडिंग स्कैल्ड ऑफ एप्पल्स, ठीक है. काफ़ी सारी इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एलिविएट हो जाते हैं. मेनली वो जैसे चीलिंग इफेक्ट के कारण कोई इंजरी हो रही थी या कोई स्पॉट लग रहा था या स्कैल्ड इन एप्पल्स, ठीक है. तो ये इसके बेनिफिट होते हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के. अब हार्मफुल इफेक्ट बच्चों इसके क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट ये हैं, इनिशिएशन एंड एग्रीवेशन ऑफ सर्टेन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन अकर. काफ़ी सारे एग्रीवेशन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाते हैं जैसे ब्लैक हार्ट इन पटेटो, पटेटो में ब्लैक हार्ट डिजीज हो जाती है, ब्राउन स्टेन ऑन लेट्यूस एंड ब्राउन हार्ट इन एप्पल्स एंड पियर्स. ये इसका क्या है बेटा, हार्मफुल इफेक्ट है. इरेगुलर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट की इरेगुलर राइपनिंग होती है और वो कौन से फ्रूट्स हैं बच्चों, बनाना मैंगो पियर्स एंड टमेटो, कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोज टू ऑक्सीजन लेवल बिलो 2% और CO2 लेवल अबव 5% फॉर मोर देन 2 to 4 weeks. क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल तो कम था और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा था और 2 to 4 weeks तक जब वो उसी में रखा रहे तो क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे उसमें इरेगुलर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी. ऑफ फ्लेवर एंड ऑफ ऑर्डर एट वेरी लो O2 और वेरी हाई, यानी फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और स्मेल भी उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है. कंसंट्रेशन में डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन मेटाबॉलिज्म. फ्लेवर बिल्कुल अलग हो जाएगा और ऑर्डर भी उसका चेंज हो जाएगा फ्रूट्स का. तो ये ड्रॉबैक भी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज के बहुत ज़्यादा है. फिर हम देखते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज. मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज ये लास्ट प्रोसेस है स्टोरेज की बच्चों. एडवांस स्टोरेज पढ़ रहे थे हम, पहला कूल्ड चैम्बर स्टोरेज देखा बच्चों हमने, सेकंड हमने देखा था बच्चों हाइपोबैरिक स्टोरेज, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज एंड लास्ट एंड फाइनल मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज. स्टोरेज इन विच इनसाइड टेम्परेचर इज मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट इट्स कंपोजिशन इज अदर देन द एयर कॉन्स्टिट्यूएंट. एयर कॉन्स्टिट्यूएंट से थोड़ा सा अलग कंपोजिशन होता है इसमें. द मॉडिफिकेशन इज अचीव बाय मैनिपुलेटिंग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन इन स्टोरेज एटमॉस्फेयर. इट फेवर एक्सटेंशन इन सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोड्यूस ओइंग टू रिड्यूस रेस्पिरेशन, इथाइलिन प्रोडक्शन, मिनिमाइज वाटर लॉस,
न्यूट्रिएंट डिकम्पोजिशन, रिड्यूस माइक्रोबियल ग्रोथ एंड स्पॉयलेज एंड इनहिबिशन ऑफ राइपनिंग सेंसेस। सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि एक जनरल एनवायरनमेंट में जो गैसेस होती हैं उन गैसेस को हम एक पर्टिकुलर रूम या पर्टिकुलर चैम्बर में मेंटेन करके रख रहे हैं, एक पर्टिकुलर उनको ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन चाहिए उतना प्रॉपर मॉडिफाइड एनवायरनमेंट हम जब प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली बच्चों हो क्या रहा है, रेस्पिरेशन अपने आप डाउन हो जाएगा, इथाइलिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मिनिमम वाटर लॉस होगा, न्यूट्रिएंट्स डिकम्पोजिशन नहीं होगा बच्चों, रिड्यूस माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ भी नहीं होगी, स्पॉयलेज नहीं होगा, राइपनिंग इनहिबिट हो जाती है और सेंसेंस इनहिबिट हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपका जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज है वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज से थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें पहले हमने इनकी टेक्निक देखी, फिर हमने देखा किस तरीके से इनको स्टोर करके इनकी सेल्फ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जब मैं पढ़ाऊंगी बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे।